बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार यह आरोप लगाया है कि राज्य में कोरोना दूसरे राज्यों से आए लोगों की वजह से फैला है। हालांकि देश के हर राज्य में दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए राज्य में प्रवेश करने के बाद टेस्टिंग और क्वारंटाइन करने का आदेश है। कई राज्यों में इसका बहुत ही सख्ती से पालन किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। पैदल हम लोग को पहुंचना पड़ा, जो बस जो हम लोग को मुजफ्फरपुर से लेके आया ना, वो हम लोग को पासवान चौक छोड़ दिया, माने 25-20 आदमी को छोड़ दिया, और कुछ आदमी को सराय में छोड़ा या कुछ आदमी को गोरौन में छोड़ दिया, माने जो घर जाने वाला उसको घर पर छोड़ दिया कि घर चले जाओ तुम लोग, कुछ नहीं होगा। हम लोग बोले कि ऐसा नहीं कीजिए, जाने दीजिए, वहाँ पर चेकअप होगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, नहीं कुछ नहीं होगा, चला छोड़ दिया। हम लोग को वहाँ उतार दिया, कहा कि हम लोग को भी पता नहीं कहाँ जाना है, छोड़ दिया। हम लोग सोचे कि फिर हम लोग चुप्पे घर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम पहले हम लोग जा रहे हैं चेकअप करवाने। बस वाला बोला कि इसे पासवान चौक उतर जाओ, अब जिसको घर जाना है वो घर चले जाओ, और नहीं तो सदर अस्पताल में चेक होगा, सदर अस्पताल यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो कितना किलोमीटर पहले उतार दिया आप लोगों? करीब 7-8 किलोमीटर है, वहाँ से फिर पैदल सोचे रात में कहाँ भटकेंगे, इसलिए चलो सदर अस्पताल ही चलते हैं, तो फिर सदर अस्पताल आए। तो आप लोग अभी सदर अस्पताल जा रहे हैं? हाँ, सदर अस्पताल जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बाहर से आ रहे लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजने की बजाय रास्ते में उतार दिया जा रहा है, और लोग बिना जाँच कराए अपने घर जाने को मजबूर है। तमिलनाडु से बिहार आए एक परिवार ने पूरे मामले पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो ये कहाँ से आप लोग आ रहे हैं अभी? अभी तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु से? तो ये पैदल आप लोग जा रहे हैं? वहाँ पर बस से उतार दिया था। कहाँ पे उतार दिया? मेन रोड पे। कितना दूर पहले उतार दिया, कितना दूर चले अभी? हो गया 1 घंटा। 1 घंटे से पैदल चल रहे हैं। वहीं हाजीपुर में रहने वाले इस शख्स ने भी सुशासन सरकार की पोल खोल कर रख दी। हाजीपुर में हमको बस सब उतार के 12 बजे छोड़ के भागे गया। कहाँ पे आप लोग को छोड़ दिया? रावसी चौक पर। आप लोग को क्वारंटाइन सेंटर नहीं ले गया? नहीं, नहीं, कोई नहीं ले गया, तो क्वारंटाइन सेंटर हमको वहाँ पे छोड़ दिया। हमको बस वाले बोला कि यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे ब्लॉक है, आप यहाँ पे उतर उतर जल्दी से ना उतर गए हम सब, और देखे थे यहाँ कोई नहीं था, रोड पे उतार के चले गए और खोजे गए, तो प्रशासन को बोला गया, तो प्रशासन बोलता कि जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है, भागो भागो यहाँ से। तो हम सब फिर वापस वही रोड पे रामासी चौक पर रात गुजारे, सुबह में 4 बजे तो अपना टेम्पो का देखे इस्ता था, तो अपना टेम्पो में भाड़ा लगा के 200 रुपया घर पे चले आए। आपको बता दें कि पूरे देश में बिहार के प्रवासी मजदूर लाखों की संख्या में फैले हुए हैं। कोरोना महामारी के बाद से हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी बिहार के लोगों को झेलनी पड़ रही है। सभी राज्यों में बिहार के मजदूर घर वापसी को लेकर परेशान हैं। कहीं लोग साइकिल और मोटर बाइक से घर लौट रहे हैं, तो कहीं लोग पैदल ही अपने घर जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, पिछले दिनों बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की थर्मल टेस्टिंग कराने की बात कही थी, जिसको लेकर भी काफी विवाद फैला था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।